हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं, उठ गए हैं, 7:45 बज रहा है और कुछ ज़्यादा बर्तन मांजना नहीं है। और मैं चल रही हूँ पहले चाय बनाने, चल रहे हैं अभी थोड़ा सा मुँह से मतलब धुलना है ऐसे ऐसे पानी से, उसके बाद जो है कि चाय बनाएंगे। थोड़ा चूल्हा वगैरह पोछ लेती हूँ, उतना नहीं तो सारा बर्तन ज़्यादा नहीं है। और चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा है तो मैं चाय पीने चल रही हूँ। यहाँ पर मेरा दाल बन के रेडी हो गया है, निकाल दिया है मैंने, इसमें चावल चढ़ा दिया है। मैं नहा रही हूँ और जब भी सुबह हो जाएगा 15 मिनट में तो बहुत बढ़िया बात है। तो बाबू के पापा चले गए ड्यूटी, दाल चावल हल्का सा भोजन करके और आप लोग को दिखाते हैं। डेली होता है और डेली ही दिखाएंगे आप लोगों को। क्या ही करें यार, तंग आ गए हैं, बहुत तंग आ गए हैं आज। न जाने पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी है जो अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो ये जो है मेरा फ्रिज जो है ना, पूरा ये जाम हो गया है बर्फ़ की वजह से, उसको सफाई कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कि बंद करने के बाद
मतलब बंद ही नहीं हो रहा है, इतना तगड़ा ये हो गया है, देखिए बंद ही नहीं हो रहा है, और इसके वजह से ये भी नहीं बंद हो रहा है, देखिए छोड़ दिया मैं, देखिए ये इस तरीके से। तो इसको जो है लाइट ऑफ कर दिए हैं, तो पूरा फ्रिज का जो है बर्फ़ पिघल जाएगा, तो उसके बाद बंद हो तो इससे करें समझ में नहीं आ रहा, कुछ टाइम तक रोकना पड़ेगा अभी, और जो कि दिक्कत होगा। ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी काम चलाऊ हो गया है। हटो टूटो तो देखे देखे बंद हो रहा है, हाथ हटाओ यार, हाँ ठीक है बंद हो रहा है, अब चालू कर देते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, सारा काम अभी बहुत बाकी है, बिस्तर उठाने जा रहे हैं, और उठाने के बाद जो है कि झाड़ू लगाएंगे, तब कुछ काम बनेगा, बहुत सारा काम है आज, बस इतना ही, मतलब इतना तो नहीं, मतलब जो ब्लॉग है मैं यही रखूँगी, और आगे जो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, वीडियो में एंड तक बने रहें आप लोग। तो नहा धो करके पूरा काम करने के बाद में अभी आप लोगों से कुछ बातें करना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने सारा खाना वगैरह खा लिया है, नहाना धोना सारा काम हो गया है, कोई काम बाकी नहीं है, मतलब शाम को बर्तन वगैरह साफ करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि जिनका वायरल हो जाता है कुछ वीडियो, तो वो एक ही बात कहते हैं कि आप लोग वीडियो अपलोड करते रहिए, ज़रूर एक ना एक दिन वायरल होगा। और मेरा वायरल की तो बात अलग है, व्यूज़ भी हज़ार में तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, कि अगर हज़ार में व्यूज़ आते तो मुझे लगता कि नहीं चलो ठीक है, लेकिन क्या उन लोगों की बातें सत्य होती है? मैंने तो अभी महसूस नहीं किया है कि वाकई में वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कि वीडियो अपलोड करते रहो अपलोड करते रहो और एक न एक दिन वीडियो वायरल ज़रूर होगा, वायरल जाएगा। तो ये चीज़ मैं ये अपने दिमाग में ये सोचती हूँ कि मैं तो वीडियो अपलोड ही कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, और कुछ बताते नहीं है कि आप इस तरीके से, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिनका वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे ही जैसे वीडियो अपलोड नॉर्मल सी तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वो वायरल हुआ और उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो साफ साफ बात भी नहीं बता पाते हैं। शायद उनको मतलब मिल जाता है भाई एक टॉपिक, एक एक सफलता मिल जाता है, तो कभी कभी लोग सफलता के बारे में नहीं बताता है कि मैं ऐसे सफल हुआ हूँ इस तरीके से। तो समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या दोस्तों, मैं काफ़ी बहुत समय हो गया, मतलब अभी एक चैनल है, अभी 1 मार्च को वो हुआ है, और उनको पता नहीं कितना समझ लीजिए कि उनका मोनेटाइजेशन हो गया, पैसे भी आ गया। बहुत लोगों का यार ऐसा कौन सा वो लोग ट्रिक लगाते हैं मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो एक बनाती हूँ और देखती हूँ कि क्या इसका रिएक्शन है, क्या मतलब इस तरीके से ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, टैग है सब कुछ तो कर रही हूँ, कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वायरल नहीं जा रहा है वीडियो। और थंबनेल भी लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक है भाई, अपनी वीडियो से संबंधित ही थंबनेल बनाऊंगी, तो अगर ऐसा तो नहीं लगा रही हूँ और कुछ कहीं से उठा करके मैं लगा दूँ, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि कब तक आखिर वीडियो अपलोड करते रहें यार, कब तक अपलोड करते रहें। एक होता है ना कि सफलता मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन बस ये सुनने को मिलता है सभी लोगों से, वीडियो अपलोड करते रहो एक दिन जरूर वायरल हो, बस यही बात सुनते सुनते थक गई हूँ मैं, और करते करते भी थक गई हूँ, लेकिन अब हौसला तो नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसे ही है। अब इतना जल्दी हार तो नहीं मानना है, देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो अपना काम है वो तो कर ही रही है, और आगे क्या होता है पता नहीं,
और दिमाग में एक और भी बात चल रही है दोस्तों कि एक तो भाई एक्सपायर हो गया हमारा ना, वो उसका चले जाना बड़ा मेरे मतलब मेरे ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वो दिमाग में कभी ये बातें नहीं आ पा रही थी, जो बातें मैं ये सोच रही थी कि नहीं हम चार भाई बहन हैं, भले ही नहीं मुलाकात होती थी लेकिन था ना, अपने घर पे था, अपना सुरक्षित था, बीवी बच्चों को देख रहा था, लेकिन उसका चले जाना मेरे लिए पता नहीं क्यों अच्छा दिमाग से एक बात निकली नहीं रही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा काफ़ी टेंशन में रहती हूँ मैं कि सब अच्छा रहे, और बार बार जब देखो तब यहाँ पे मेरा दशा बुरा है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से हमेशा घबराहट से मची रहती है, इतना घबराहट आप यूँ जान लीजिए कि मैं जब हॉस्पिटल गई थी अपने भाभी को देखने, वहाँ पे गई थी, बड़ा सुकून मिल रहा था, वहाँ घर पे जाती हूँ तो बड़ी सुकून से रहती हूँ, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या है जो समझ में आ नहीं रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे मैं खुश रहूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्तों, एकदम मजबूरी बन गया है जो मैं हूँ यहाँ पर, बस यहाँ पर हूँ इसलिए हूँ कि घर पे कैसे रहूँगी, इसके पापा को भी छोड़ करके रहने का मन नहीं करता है, अकेले यहाँ पर कैसे पड़ा कैसे नहीं, क्या है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, कुछ अता पता नहीं रहता है, और ज़िंदगी अजीब सी मची रहती है दिमाग में कि मतलब उलझन टाइप रहता है कि सब ठीक रहे सब ठीक रहे, और यह अचानक से मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये हमारे लिए और दुख भरी कहाँ मतलब एकदम दुखी वाली बात है हमारे लिए, और बस इतना ही अब क्या ही कह सकते हैं, और देखते हैं अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, 283 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ नील बटा सन्नाटा है, तो उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या करना है, कुछ सेटिंग वगैरह करते हैं, खोज रहे हैं ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, अब क्या ही करें कौन सा सेटिंग करें समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत दिमाग आज से नहीं लगा रहे हैं, 4 साल से ऊपर हो गया, मतलब 4 साल से ऊपर हो गया मुझे यूट्यूब चैनल पर बनाते बनाते थक गई हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, 2 बच्चे हैं उन लोगों को, और अपना भी है, अपना भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और भाई भी मतलब इस तरीके से चला गया तो उनके बच्चों को भी टेंशन रहता है, उसकी बीवी का टेंशन रहता है कि कैसे क्या है कैसे करेंगे कैसे नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति जब एकदम कमज़ोर होने लगता है ना, जब इनकम का जरिया नहीं रहता है तो काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं, काफ़ी झेल रहे हैं, जब आपके पास इकट्ठा पैसा रहता है और आपका आर्थिक स्थिति बना रहता है, कब जब आपका इनकम होता रहता है, इनकम जनरेट होता रहता है, इनकम आता रहता है तो ठीक ठीक है, अन्यथा आप रख करके पैसे अगर घर पर खाते हैं या आप कोई काम नहीं है तो फिर आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है ना कि आप सोच नहीं समझ नहीं, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं अभी आर्थिक स्थिति की बात की हूँ तो इतना सर पे कर्ज है ना कि 2 साल लगेंगे, अगर ऐसे ही कटाएंगे तो 4-5 साल लग जाएंगे, अगर वो सैलरी से और इस तरीके से कटाते रहेंगे तो कहीं जाकर के 2 साल में पूर्ति होगा, और किस्त का है कर्जा और लोगों का है, बहुत सारा चीज़ है, तो दिमाग में बहुत काफ़ी उलझने हैं, ज़िंदगी में एकदम नरक सा ज़िंदगी बना हुआ है, और क्या ही बता सकते हैं, अब जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, बाकी क्या करेंगे दोस्तों।